खबर आजमगढ़ से है, जहां पर सदर लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से टिकट दिया है। उसी आजमगढ़ के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आम चुनाव के लिए को लेकर समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रत्याशी धर्मेंद्र जी है, मैं इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि आजमगढ़ में कि आजमगढ़ की जनता को कितना सहयोग मिल रहा है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज की तरफ से आपको स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रत्याशी बनाया गया है जी, इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आजमगढ़ की मेरी समाजवादी पार्टी के सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तीन दिवसीय दौरे पे आप आजमगढ़ हैं, आपको आजमगढ़ जनता से क्या प्यार मिला? अपार स्नेह मिला है और आजमगढ़ के लोगों के दिलों में नेताजी को लेके बहुत जज्बात है। नेताजी की यादों में लोग खोए हुए हैं, राष्ट्रीय दजी के किए हुए कामों को लोग याद कर रहे हैं और उसी बुनियाद पर मैं आजमगढ़ के लोगों को यकीन दिलाता हूं कि उनकी हर उम्मीद को पूरा करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। एयरपोर्ट पे किसानों साल भर से बैठे हुए धरने पे, कोई उनकी सुनवाई नहीं रही है, उनके लिए क्या करें? ये संवेदनहीन सरकार है, सुनना चाहिए था। सरकार के बहुत बड़े हाथ होते हैं, सरकार चाहती तो किसानों की समस्या का समाधान कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। सरकार तो किसानों की जमीनें कब्जा करना चाहती है और पूरी की पूरी जमीनें कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को देना चाहती है। ये एयरपोर्ट जो आज जिसके लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी जमीनें बचाने को, मैं आज कह रहा हूं, रिकॉर्ड में रख लेना, जिस दिन आजमगढ़ का एयरपोर्ट कंप्लीट होगा उसी दिन किसी को दे दिया जाएगा। और ये शायद हमारे किसानों को आंदोलन उन उद्योगपतियों से अपनी जमीन बचाने के लिए करना पड़ रहा है। हालांकि ये एयरपोर्ट जो है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, कि क्या कारण था कि इतने दिनों तक अधूरा पड़ा रह गया? कोई अधूरा नहीं है, उस समय की जो योजना थी वो कंप्लीट थी, लगातार उस पर जहाज उतरे हैं। मुझे याद है 14 के चुनाव में मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिसीव किया, उसी एयरपोर्ट से नेताजी को रिसीव किया। मैं 14 की याद इसलिए दिला रहा हूँ कि आज से नेताओं के लिए था, नहीं नहीं भाई, नेताओं की जनता की तो बात बात की बात है। जिस एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो गया था आज से 10 साल पहले, प्रधानमंत्री से लोग उद्घाटन करवा रहे हैं। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को पता भी है कि नहीं पता है कि उनसे छुपा के उद्घाटन करा डाला। प्रधानमंत्री जी का यह भी कहना है कि हवाई चप्पल से लोग जो है एयरपोर्ट हवाई जहाज में यात्रा करेंगे आजमगढ़ के। प्रधानमंत्री से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सारे एयरपोर्ट उनके मित्र के पास चले गए, इसीलिए हवाई चप्पल से ही हवाई चप्पल वाले तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन मित्र के पास सारे एयरपोर्ट जरूर चले गए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत धन्यवाद। सांसद नीलेश यादव को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, उनकी अपनी स्क्रिप्ट है। अब मैंने सुझाव दिया कि स्क्रिप्ट राइटर बदलो तो हो सकता है कुछ बदलाव दिखे। आपके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन पे मुकदमा दर्ज? कोई बात नहीं, हम समाजवादी हैं, हम तो इन चीजों के आदी हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हालांकि संज्ञान नहीं था, आप मीडिया के साथियों ने अभी संज्ञान दिया है, मुझे जानकारी भी नहीं है और क्या मुकदमा हुआ है उसकी अभी कोई कॉपी भी मेरे पास नहीं है। जो भी होगा अपने वकीलों से बात करके उसको देखेंगे कैसे। ठीक है, थैंक यू। तो आपने देखा आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी थे, इनसे हमने वार्ता किया, वार्ता में इन्होंने अपनी चीजें बताया और कहा कि इस दफा 2024 में अपार सफलता के साथ आजमगढ़ में साइकिल दौड़ेगी। अतुल अग्रवाल, न्यूज़ आजमगढ़।